वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। मेरा नाम है सत्यम सिंह और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न विथ लर्नर के। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे यूपी बीएड काउंसलिंग कब होगी, क्योंकि लगातार काउंसलिंग को लेके आप लोग के मन में दुविधा है। लगातार ये कमेंट बॉक्स में सवाल देखने को मिल रहे हैं कि आखिर काउंसलिंग कब होगा। 10 जुलाई को काउंसलिंग होने वाला था, लेकिन वे डेट अभी स्थगित हो गई है। तो अगली डेट क्या है और कब तक काउंसलिंग हो सकती है और क्यों काउंसलिंग लेट हो रही है, इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। पहले हम ये आर्टिकल देख लेते हैं कि अब अगस्त में होगी यूपी बीएड के लिए काउंसलिंग। तो आप देख सकते हैं बीएड में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय प्रशासन सभी विश्वविद्यालय से अंतिम वर्ष की परीक्षाओं और प्रमाणों की सूचना एकत्र कर रहा है। काउंसलिंग शुरू कराने के लिए परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने का इंतजार किया जा रहा है। तो ये बात हम लगातार आप लोगों को बता रहे थे कि काउंसलिंग तभी होगी जब जितने भी यूपी यूनिवर्सिटी हैं, जो स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, जब उनका लास्ट ईयर का रिजल्ट आ जाएगा तभी। बाकी आगे और बात करेंगे, पहले आर्टिकल देख लेते हैं। समन्वयक सीपी सिंह के द्वारा कहा गया कि हर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं का अपडेट मांगा जा रहा है। काउंसलिंग प्रक्रिया अगस्त के पहले या दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकती है। तो इतना जान जाइए कि अब जुलाई में नहीं होगी, जब भी काउंसलिंग होगी तो अगस्त में होगी। तो हम ये बात कर लें आपकी काउंसलिंग इतना लेट क्यों हो रहा है और क्या। तो हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि काउंसलिंग तभी होगा जब जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जिनका डाटा आ जाएगा तभी काउंसलिंग होगा, और वैसा हो भी रहा है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि क्यों ये किया जा रहा है, ताकि जो जैसे कि आपकी अगर 700 रैंक है, आपकी अगर 1000 रैंक है आपकी, अगर या फिर मान लीजिए 10000 के अंदर रैंक है, 10K के अंदर रैंक है अगर आपकी, लेकिन आपका लास्ट ईयर का रिजल्ट ही नहीं आया तो आप काउंसलिंग से वंचित रह जाएंगे। और जो भी यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट कराती हुए हमेशा ये चाहती है कि जो भी अच्छे बच्चे हैं जिनका 10000 से कम रैंक रहा है उनको काउंसलिंग में मौका मिले, उनको काउंसलिंग में मौका मिले। अगर उनको ही मौका ना मिले, पता चला कि आपका 200 ही रैंक है और आपका भी रिजल्ट नहीं आया, तो जाहिर सी बात है कि आपको फर्स्ट फेज के काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा। अगर फर्स्ट फेज के काउंसलिंग में मौका नहीं मिला तो फिर आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगा। और हर यूनिवर्सिटी यही चाहती है कि अच्छा बच्चा ही गवर्नमेंट सीट पर आके पढ़ाई करे। तो इसीलिए ये काउंसलिंग की प्रक्रिया लंबी की जा रही है, लगातार बढ़ाई जा रही है, और हर साल लगभग ऐसा होता है। लेकिन इस साल के बाद सुधर जाएगा क्योंकि अब सारे यूनिवर्सिटी धीरे धीरे शेड्यूल में आ रहे हैं। अभी 2-4 यूनिवर्सिटियाँ, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ हो गया, ऐसी 2-4 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो लास्ट ईयर का रिजल्ट नहीं दिए, लगभग सारी यूनिवर्सिटियाँ रिजल्ट दे दिए। तो जब रिजल्ट आ जाएगा तभी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा और धैर्य बना के इंतजार करिए, बाकी जो भी अपडेट होगा हम आप लोगों को लगातार अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। अभी तक ये जान जाइए कि 1 से 15 अगस्त के बीच में कभी भी काउंसलिंग हो सकती है। तो उसका डेट आ जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके रखिए। अभी हालांकि समय है, अभी थोड़ा और समय लग सकता है ताकि जब सबका रिजल्ट आ जाए। अभी तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ जो लास्ट ईयर का इम्तिहान ही ले रही, एग्जाम ही कंडक्ट करा रही, तो थोड़ा सा अभी समय है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना है। कोई भी डाउट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ के हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं सर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।